सभी का देखिए आज 19वां दिन है किसान आंदोलन का, लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती इसी तरह से ये प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। हालांकि सरकार और किसानों के बीच इन तीनों कृषि कानून को लेकर ये गतिरोध अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आज तो 19वां दिन है। और जब किसान सड़कों पर हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं, नुकसान किसी किससे छिपा नहीं है, घर से दूर हैं तो सुविधाएं मिल नहीं पा रही, तमाम तरह की दिक्कत हो रही है, खेत पीछे से देखने वाला कोई नहीं है, परिवार के पास कोई नहीं है, ऐसे में जो अपने बच्चों के साथ आए हैं, सब परिवार आंदोलन में शामिल हुए हैं, ऐसे में उन बच्चों के लिए पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी की ये रिपोर्ट आप देखिए। किसानों का आंदोलन देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है, लेकिन क्या हल निकलेगा ये सवाल सबसे बड़ा है, और अगर हल निकलेगा तो कब निकलेगा ये हम किसानों से जानेंगे। मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज भी किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। पहले ये पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊं, क्योंकि अगर आप देश की राजधानी में जा रहे हैं गाजियाबाद से तो आपको आनंद विहार से होकर जाना पड़ेगा। ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है ये वैशाली की तरफ से आने वाला वो रास्ता है जो वापस आपको यू टर्न लेकर आनंद विहार की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि आप यहां से राइट लेकर दिल्ली नहीं जा सकते हैं। और अगर मैं अपने पीछे की तरफ यहां से दिखाऊं तो ये ऊपर नेशनल हाईवे 9 का हिस्सा है जहां पर किसान ऊपर भी बैठे हुए हैं, और इसके ठीक नीचे अगर हम तस्वीर दिखाएं तो यहां पर भी किसानों ने डेरा डाला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वो यहां अपना वक्त गुजार रहे हैं वो आपको यहाँ हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए रहने के लिए वो इस तरह से जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इस तरह से उन्होंने बना लिए हैं और यहाँ पर वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। और इधर देखिए किसान किस तरह से जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उन्हें खेलकर यहाँ पर अपना जो वक्त है वो बिता रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ से हटने वाले नहीं है, अब किसी तरह से भी दिन भी बिता रहे हैं और आप रणनीति भी यहाँ बना रहे हैं। भाई हम तो जो है देख ले, मोदी जी देख लेंगे, यहाँ तो ताश खेलने जाने वाले हैं नहीं, खाने खाने की फुल फैसिलिटी है, अपना जो है 6 महीने का राशन ले रहे हैं हम, और जो है ये तो हमारा समाधान जल्दी है जल्दी जो है हो जा, अन्य हम तो डट रहे हैं जाने वाले हैं नहीं। उनका कहना है कि फिलहाल वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। गाजियाबाद में कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। इस समय मैं दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और नेशनल हाईवे 9 के ऊपर मौजूद हूं। मेरे ठीक इस तरफ पीछे मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं वहां आपको नजर आएगा कि भारी संख्या में किसान बैठे हुए हैं, और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला जो रोड है वो उन्होंने पूरी तरह से पिछले कई दिनों से ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक जो है वो किसानों ने नहीं रोका है। इसकी एक खास वजह किसानों ने ये बताई है कि वो दिल्ली जाने वाला हर रास्ता ब्लॉक कर देंगे अगर उनकी मांग नहीं मानी गई है। हालांकि आज उन्होंने दिल्ली से आवाजाही को भी पूरी तरह से थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। किसानों की तैयारी क्या है वो हम आपको यहां नेशनल हाईवे 9 के ऊपर से दिखाते हैं। आप देखिए नीचे जैसे ही आपकी नजर जाएगी नेशनल हाईवे 9 से आपको ये किसान की रसोई नजर आएगी। ये रसोई बेहद खास तरीके से तैयार की गई है, यहां पर सब कुछ किसानों के पूरे मैनेजमेंट तरीके से किया जा रहा है, कितनी सब्जी आएगी, कितनी दाल आएगी, कितना आटा आएगा इस बात को रोज सुनिश्चित किया जाता है। इन ट्रकों में ये जो भोजन की व्यवस्था है वो यहाँ पर लाई जाती है, कुछ जो दिल्ली के गुरुद्वारे हैं वहां से यहाँ रोटियां लाई जाती हैं, और ठीक इसके साथ में यहाँ खाने का इंतजाम जो है वो किया गया है। आप देखिए किसान यहाँ बैठकर खा रहे हैं, इनका एक जत्था यहाँ खाना खाता है और फिर उसके बाद दूसरा जत्था यहाँ पर पहुंचता है, पूरे सिलसिलेवार तरीके से ये दिन भर यहाँ चलता रहता है। और अगर किसानों के आगे की रणनीति की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इतनी तैयारी वो करके आए हैं कि कई महीनों तक वो यहाँ रह सकते हैं, डटे रह सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की चेतावनी उन्होंने पहले ही दे दी है। हालांकि जो मसला है वो फिलहाल हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।